आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है, पेशेंट प्रीति मुदित सीतापुर से हैं और शादी को बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, 3 साल हो रहे हैं मैरिज को, लेकिन इनको जब से भी इनफर्टिलिटी की दिक्कत का पता चला, तुरंत अपने आसपास जो भी जावित्री से सफल हुए पेशेंट से जानकारी ली और आकर के इन्होंने तुरंत इलाज कराने का निर्णय लिया। इलाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कितने दृढ़ संकल्प हैं अपने इलाज के लिए। अगर आप दृढ़ संकल्प हैं इलाज के लिए, जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पे पूरा भरोसा है, यहाँ के ट्रीटमेंट पे पूरा भरोसा है, तो आपको निश्चित सफलता मिलती है। उसके उस रास्ते उस सफलता के लिए कोई भी चीज आड़े नहीं आती है। ये दोनों पेशेंट शारीरिक रूप से अच्छा होने के बावजूद, इन्हें सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने और इनके घर वालों ने IVF के ट्रीटमेंट के द्वारा इलाज कराने का निर्णय लिया और ये आज उनका दृढ़ संकल्प था। और जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का अपने सफलता का, IVF करने के तरीके का जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिसके कारण से कैसा भी पेशेंट हो, किसी भी तरीके का पेशेंट हो, उनको कोई भी दिक्कत हो, उन सारे पेशेंटों को यहाँ पर सफलता मिलती है। प्रीति मुदित जी को भी इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद इन्होंने यहाँ इलाज कराने का निर्णय लिया और हमारा जैसा कि रिजल्ट, हमारा अपना रिजल्ट है, इन लोगों को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिंगल प्रेगनेंसी आई है। सभी लोग इनके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। किसी भी पेशेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है, इस तरीके की रुकावटें पेशेंट को होप ही नहीं रहती है, लेकिन ऐसी सारी मुश्किल के वक्त पर जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर अपने IVF के इलाज के द्वारा उन सारे पेशेंटों के लिए खड़ा है जो ये सोचते हैं कि नहीं, हमें यहाँ से सफलता मिल जाएगी। और हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इनकी मदर हैं भैया, तो आप बताइए, आप लोग इस खुशखबरी को सुनकर के कितना खुश हैं? सिंगल प्रेगनेंसी आई है, एक बच्चा आया हुआ है, यहाँ के डॉक्टरों को क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के स्टाफ को क्या कहना चाहेंगे, अपनी खुशियाँ हम लोगों के साथ साझा करिए। इन दोनों लोगों की तरफ से आप बोलिए। हेलो, ये बच्चा सुनकर के हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। यहाँ के जितनी भी टीम है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जो आए उसको भी ऐसी सफलता मिलती है। सभी लोग क्लैपिंग कर दीजिए प्रीति मुदित जी की सफलता के लिए, उनके साहस के लिए कि शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद इनके घर वाले इनके साथ बराबर खड़े थे और ये लोग भी थे।